बोलो क्या, अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करी थी तो हमारी रिएक्शन का कुछ चेंज हो रहा था? मतलब अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूँ ईच कंपोनेंट की, तो वो चेंज हो रहे थे? नो मैम, पार्शियल प्रेशर वॉज सेम। और मोल्स? ईच कंपोनेंट के सेम मोल्स भी सेम थे, ठीक है। अगर मैंने कांस्टेंट किस पे वॉल्यूम पे किया था, एक बार हम इसकी चीज़ें लिख लेते हैं कि इस पे क्या क्या हुआ था, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट क्या थे? सेम थे, रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? इनर्ट गैस के डलने से एक्चुअली में क्या क्या हुआ था? एक तो पी टोटल इंक्रीज हो गया था। मतलब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, मेरे कंपोनेंट्स कितने थे उसके, अगर मान लो ए गिविंग बी थी रिएक्शन इनिशियली, तो एन ए थे, एन बी थे, और अब क्या क्या चेंज हो गया था? एन आई और बढ़ गया था। इनर्ट गैस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेरे बढ़ गए थे, ठीक है। लेकिन इनर्ट गैस डालने के बाद मेरे ये वाले मोल्स नहीं बदले थे। क्यों? क्योंकि ये वाले मोल्स किस पे डिपेंड करते हैं एक्चुअली पे? वो डिपेंड करेंगे, मेरे एट कांस्टेंट वॉल्यूम डाला था तो पी एन ए बाय वी आर टी, इस पे मतलब पार्शियल प्रेशर मेरा इस पे डिपेंड करता था। मेरे इनर्ट गैस डालने से नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे, एन ए तो उतना ही था जितना पहले था, कुछ मिक्सचर क्योंकि आगे पीछे जा नहीं रहा, एन ए भी सेम और वॉल्यूम भी कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम भी सेम, तो ये दोनों फैक्टर सेम थे, तो मेरे पार्शियल प्रेशर भी सेम था। पहला नंबर ऑफ मोल्स सेम था, फिर पार्शियल प्रेशर भी सेम था। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज सेम, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, टोटल प्रेशर इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो रहा था क्यों? क्योंकि पी टोटल किस पे डिपेंड करता है? एन टोटल पे, एन टोटल बाय वी आर टी। तो एन टोटल क्योंकि मेरा ये है जो कि अब इंक्रीज हो गया है डलने से, तो मेरा इस वजह से मेरा पी टोटल भी इंक्रीज हो गया है, एन टोटल इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ था। और मेरा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का क्या हुआ था? मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था? मैम सेम। मोल फ्रैक्शन भी सेम रहेगा, एन टोटल मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज हो डिनोमिनेटर। जाएगा, एन ए बाय एन टोटल होता है ना मोल फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा था, ये चीज़ें हमारी चेंज हो रही थी। लेकिन पार्शियल प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों के कॉन्स्टेंट थे, यानी कि पार्शियल प्रेशर नहीं बदल रहा, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं बदल रहे थे कुछ, क्योंकि उसने रिएक्शन पे असर डाला ही नहीं, इनर्ट गैस ने कुछ नहीं किया, उसने रिएक्शन पे कोई असर नहीं डाला, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, तो जो पहले इक्विलिब्रियम था वो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अब रिएक्शन अब जैसे ही पहले इक्विलिब्रियम पे थी, अब भी रिएक्शन हमारी क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम पे रहेगी। बस चेंजेस कहाँ आएंगे? इसमें आ जाएंगे, टोटल प्रेशर में आ जाएगा। कंसंट्रेशन की बात, मतलब कंसंट्रेशन की बात करूँ तो वो भी मेरी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट ही रहेगी, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो कंसंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं चाहे तो चीज़ें, बाकी एक एन टोटल इंक्रीज हो रहा था। तो ये चीज़ें थी जो मेरी चेंज हो रही थी, ये वाली चीज़ें, और प्लस कंसंट्रेशन जो था वो हमारा क्या कॉन्स्टेंट रह रहा था, ठीक है। अब हम डालेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। पहले कॉन्स्टेंट वॉल्यूम था तो हमने जो कंटेनर बनाया था उसमें क्या था, उसको फिक्स कर दिया था, उसमें कोई मूविंग पिस्टन नहीं लगाया था। अब हम मूविंग पिस्टन लगाने वाले हैं, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ये हमारा एफ था, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसमें क्या करना था, अब हमने जो अपना कंटेनर में जो अपना सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया? मूविंग पिस्टन लगा दिया, क्योंकि अब मुझे ये पिस्टन हिलाना पड़ेगा अपना क्या कांस्टेंट रखने के लिए, अपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर को। इसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर था और अब मैंने क्या डाला, इसमें इनर्ट गैस डाल दी। तो इनर्ट गैस डालने से एक्चुअली में क्या इफेक्ट हो रहा है? मेरा टोटल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, जब मैंने देखा, ठीक है, मैंने इसके अंदर इनर्ट गैस डाली, डाल दी किसी तरीके से इनर्ट गैस, और इसका क्या हुआ? जैसे पहले अगर प्रेशर जो भी था P1 था, अब उसका टोटल प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन मुझे प्रेशर कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है, यस मैम।
तो कांस्टेंट रखना है। अब सिस्टम प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसका इनर्ट गैस जाने से प्रेशर इंक्रीज हो गया है, लेकिन अब वो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए यानी कि वापस से कम करना चाहता है, तो इस पिस्टन को, ये पिस्टन ऊपर मूव करने लगेगा, पिस्टन ऊपर मूव करने लगेगा तो मेरा वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज, पिस्टन ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या है, अब मुझे इसका जो इफेक्ट है एकदम सेम हो जाएगा, हमने वो जो इफेक्ट पढ़ा था क्या, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या प्रेशर, इसका इफेक्ट पड़ा था हमने सेकंड में, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बाद, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा था तो कैसे चेंज हो रहा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ठीक है। हाँ, तो अब एकदम वही वाला काम करेगा, यहाँ पे सेम चीज होगी जो हम वहाँ पे इफेक्ट लगा रहे थे, वही सेम चीज यहाँ लगानी है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, हमने प्रेशर डाला, इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर बढ़ गया, तो सिस्टम को क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट प्रेशर रखना है, तो इसका हम जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऊपर जाने लगे, मतलब तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब हमें कौन सा इफेक्ट लगाना है, कि अब वॉल्यूम इसका बढ़ रहा है तो क्या, कैसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब जैसे एक बार लिख लेते हैं इसके बारे में चीज़ें, फिर हम पूरा लिख के देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो एज सून एज इनर्ट गैस इज एडेड, प्रेशर इंक्रीजेस, इनर्ट गैस हुआ था टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा, अभी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में देखा, लेकिन हमें प्रेशर रखना है कांस्टेंट टू मेंटेन प्रीवियस प्रेशर, तो जो पहले प्रेशर था हमें वही प्रेशर चाहिए क्योंकि हमें कांस्टेंट प्रेशर रखना है, टू मेंटेन प्रीवियस प्रेशर, पिस्टन मस्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये समझ आ रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज हुआ है और प्रीवियस प्रेशर कम था, तो उसे डिक्रीज करने के लिए उसे वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इस वजह से अब ये वॉल्यूम जो इंक्रीज वाला हमने जो इफेक्ट लगाया था, एकदम वही वाला इफेक्ट यहाँ पे होगा, तो इफेक्ट इज सेम एज इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम या फिर इंक्रीजिंग वॉल्यूम या फिर डिक्रीजिंग प्रेशर, इन दोनों का इफेक्ट सेम ही लगता है, ठीक है। तो अगर हम किसी सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, हमें वो वाला देखना है। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस, मतलब अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो गैस हमारा प्रेशर बढ़ाना चाहेगी, तो प्रेशर वो बढ़ाएगी कैसे, पार्शियल प्रेशर अपना वो ज़्यादा तरफ मोल्स की तरफ जाके, कि जहाँ पे ज़्यादा मोल्स बन रहे हैं उस तरफ जाएगी, क्योंकि मोल्स बढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो हमारा पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, ये चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। ये इफेक्ट इसके थ्रू हमने जो ये आंसर बताया है ये हम पढ़ चुके हैं पहले, कुछ उसमें कोई डाउट, नो मैम, चलो ठीक है फिर। तो अगर हम रिएक्शन ले ए गैशियस से कहाँ जा रहे हैं, बी गैशियस, टू बी गैशियस अगर बन रहा है, ठीक है, तो हमने क्या इनर्ट गैस ऐड करी है इसमें, इनर्ट गैस इज एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो क्या इफेक्ट होगा बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बताओ ये, हाँ फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी हमारी रिएक्शन, ठीक है। वही इनर्ट गैस डाली, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर मेंटेन करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना प्रेशर मेंटेन करने के लिए पिस्टन को ऊपर लाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो मोल्स, तो हमारी रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहाँ मोल्स ज़्यादा होंगे प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो मोल्स इस साइड ज़्यादा हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, ए सॉलिड, बी गैशियस, टू सी गैशियस, और इसके लिए डेल एच है नेगेटिव है, अब इसके लिए हम एक बार में सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। डेल एच नेगेटिव है, डेल एन जी क्या है इसका बताओ, वन, यस। अब इसके लिए हम चीजें लिखते हैं, अब मुझे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ ए पे क्या इफेक्ट होगा, सॉलिड है तो
तो नो इफेक्ट, क्योंकि वो सॉलिड है. कंसंट्रेशन ऑफ बी पे क्या इफेक्ट होगा? वही इनर्ट गैस डालने का, ये समझ लो. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सी पे का इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा ना सर. बिल्कुल, क्या थोड़ा जोर से बोलो. इंक्रीज हो जाएगा. यस इंक्रीज. खुशबू तुम भी कोई आंसर दो. प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अच्छा ये हो जाएगा. रिएक्शन का पूछ रहे फॉरवर्ड में जाएगा बैकवर्ड में? क्या प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी? मैम देखो प्रेशर इंक्रीज किया है हमने और हमें क्यों, तो हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया और रिएक्शन को क्या करना होगा? प्रेशर डिक्रीज करेगी इंटर्न, तो प्रेशर डिक्रीज करना होगा तो किस साइड जाएगी? जहाँ कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे होंगे. कम नंबर ऑफ मोल्स किस साइड बन रहे हैं? सॉरी मैम थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है. तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए मैम? बैकवर्ड. वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज डिक्रीज्ड. इसका क्या असर होगा? बेसिकली मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ. हाँ ये बताओ, अगर वॉल्यूम इज इंक्रीज तो उसका क्या असर होगा? क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो वॉल्यूम अगर हमने इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा. प्रेशर डिक्रीज किया तो यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो कहाँ, तो के पे क्या असर रहेगा? टेम्परेचर का कैसे बता रहे थे? एक फॉर्मूला था लॉग के वाला, याद है? डेल एस नॉट बाय 2.303 आर माइनस डेल एच नॉट बाय 2.303 आर टी. ठीक है. और क्योंकि हमारी डेल एच कैसे नेगेटिव है, तो बताओ अगर टी इंक्रीज होगा तो के पे क्या फर्क पड़ रहा था? डिक्रीज होगा. डेल एच नेगेटिव है, इसका यूज करना है, आप नेगेटिव पुट करना है तो ओवरऑल ही पॉजिटिव हो जाएगा. फिर टी डिक्रीज होगा तो के, टी इंक्रीज होगा तो के क्या होगा? डिक्रीज होगा. कैटलिस्ट के ऐड करने का क्या इफेक्ट होगा? और क्योंकि के डिक्रीज हो रहा है तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही होगी. ठीक है, ये भी याद रखना. के इंक्रीज होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, के डिक्रीज होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है रिएक्शन. कैटलिस्ट ऐड करने का कोई इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे? बोलो कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, रेट बढ़ाता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे तो कुछ इफेक्ट नहीं देता, इक्विलिब्रियम जैसे नहीं देता वैसे ही इफेक्ट रहता है. बस क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा तो टाइम ड्यूरेशन कम कर देगा जिसमें रिएक्शन हो रही है, तो नो इफेक्ट. ठीक है, इनर्ट गैस एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इसका क्या इफेक्ट होता है? नो इफेक्ट ऑन मोल्स. मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, मोल फ्रैक्शन का पूछेंगे तो उस पे इफेक्ट होगा, पर मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता. यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा. और इनर्ट गैस एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो क्या होता है? अभी अभी हमने देखा इस रिएक्शन में क्या है. रिएक्शन कहाँ कॉन्स्टेंट प्रेशर का पड़ा था. कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हमने इनर्ट गैस ऐड करी, सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर प्रीवियस में मेंटेन करने के लिए हम प्रेशर कम करना शुरू करेंगे तो वही, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम और वॉल्यूम कम करने पे जो सिस्टम पे होता है वही वाला इफेक्ट लगाएंगे. प्रेशर कम हो रहा है तो वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगी तो किस साइड जाएगी? जहाँ मोल्स ज़्यादा हो. मोल्स कहाँ ज़्यादा है?
फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट में ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं, रुको। ठीक है, मान लो इसका डेलेज क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे इसके लिए बताओ, अब क्योंकि सारा रिवाइज हो चुका है तो जल्दी जल्दी बताना, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज करूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए मैंने इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या करूंगी, डिक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, मैम बैकवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगी। पहले मोल्स तो देखो किसके ज्यादा है, मोल्स यहाँ पे रिएक्टेंट के ज्यादा है, यहाँ पे किसके वन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू का ज्यादा है ना यहाँ से वन से। प्रेशर इंक्रीज किया, रिएक्शन क्या करना चाहिए, प्रेशर डिक्रीज करेगी तो किस साइड जाएगी, प्रेशर डिक्रीज कहाँ करेगी, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद नहीं करनी, ये चीज़ रिएक्शन को देख के बतानी है हमें, क्या उसके जो मोल्स हैं वो प्रोडक्ट में ज़्यादा है या रिएक्टर में ज़्यादा है। वॉल्यूम इंक्रीज करूँगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तुम्हें जिससे भी समझ आता है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो आंसर। अब बताओ कहाँ जाएगी रिएक्शन, हाँ बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन। खुशी ये पार्ट समझ आ रहा है मैम, बट अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और रिएक्शन से देख के बताएं तो लग रहा है कि फॉरवर्ड में जाएगी। देखो वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या हो, वॉल्यूम इंक्रीज यानी कि प्रेशर डिक्रीज। तुम किसी एक चीज़ को याद रख लो, अगर तुम्हें प्रेशर से चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्रेशर से याद रख लो, क्योंकि वॉल्यूम उसका उल्टा ही होना है यानी कि। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो यानी कि क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा। प्रेशर डिक्रीज वाला फैक्टर समझ आ रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वो प्रेशर इंक्रीज करना चाहेगा। प्रेशर इंक्रीज कहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा, जहाँ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। ये चीज़ समझ आ रही है प्रेशर के थ्रू? यस मैम। हाँ, तो प्रेशर वाला याद रख लो, जब भी वॉल्यूम पूछा हो तो तुम उसे उल्टा कर लो कि अगर वॉल्यूम इन्होंने इंक्रीज करके पूछा है तो यानी कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, तो मुझे प्रेशर डिक्रीज के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। अगर वॉल्यूम कम बोल रहा है कि वॉल्यूम कम करे यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, तो मुझे प्रेशर इंक्रीज के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ये चीज़ करके देख लिया करो। ठीक है, यस मैम। चलो, अगर हाँ यहाँ मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँ तो क्या असर होगा, उसी फॉर्मूले में यूज करो, उसी फॉर्मूले में मैम बैकवर्ड। टेम्परेचर डिक्रीज करूँ तो यस बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, के डिक्रीज होगा यहाँ पे, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट का वही इफेक्ट, नो इफेक्ट। इनर्ट गैस एडिशन का इफेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स पे कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन इनर्ट गैस अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रही हूँ तो बताओ क्या इफेक्ट होगा, मैम इसका भी नो इफेक्ट होना चाहिए क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो सेम ही है। इसका भी नो इफेक्ट, पार्शियल प्रेशर देखो कांस्टेंट प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर कैसे सेम है, अभी यहाँ पे सब पढ़ा है ना ये चीज़, क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे, हमें प्रेशर क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे हमें कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है। ठीक है, क्या हुआ जब हमने इनर्ट गैस डाली तो क्या हुआ, इसका प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। देखो पहले क्यों नहीं चेंज हो रहे थे पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पहले जो हमारा कंटेनर था वो था फिक्स, ऐसे फिक्स था, हमने इनर्ट गैस डाली तो टोटल प्रेशर बढ़ गया था, लेकिन पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आया था किसी का। ठीक है, पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आया था क्योंकि सबके नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, क्योंकि इनर्ट गैस है किसी से रिएक्ट तो कर नहीं रही, बस वो प्रेशर बढ़ा दे रही थी टोटल, इस वजह से हमारा बस टोटल प्रेशर बढ़ा था, पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर बढ़ेगा, इनर्ट गैस डालेंगे टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन हमें कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन करना है, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर करने के लिए क्योंकि अब प्रेशर बढ़ गया है तो वो प्रेशर क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर डाल के इफेक्ट क्या लगाया, हम प्रेशर कम कर रहे हैं सिस्टम का। पहले क्या, प्रेशर कॉन्स्टेंट इनर्ट गैस डालते हैं, इसका प्रेशर एकदम बढ़ गया, हम कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए क्या करेंगे, अब इसको पिस्टन को ऊपर मूव करना शुरू करेंगे, ऊपर मूव कर रहे हैं तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज वाला जो इफेक्ट है ना, हमें ये लगाना है इनर्ट गैस के केस में, जब हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हैं।
हमें कुछ नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डाला है तो इसके केस में जो भी होगा ना रिएक्शन पे वो लगाना है हमें। तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूँ तो इस ये वाली रिएक्शन कहाँ जाएगी, वो प्रेशर बढ़ाना चाहेगी अपना, प्रेशर बढ़ाना चाहेगी तो कहाँ बढ़ेगी वो, किस साइड पर मूव करेगी वो। बैकवर्ड मूव करेगी ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है। यस मैम। ठीक है, कुछ भी पार्ट समझ आ रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? यस मैम आ गया ना पक्का अब? यस मैम। पूछ लो अगर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो रही है तो पूछो। नो मैम, अब क्लियर है मैम। ठीक है चलो, तो इधर हमें क्या लगाना है, जब भी इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा हमें ये वाली चीज लगानी है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, हमारा बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। चलो अब हम नेक्स्ट चीज एक शुरू करेंगे, इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा ही था पहले कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब फेजेस चेंज होते हैं या फिर क्या होता है। एक और एग्जांपल था फिजिकल इक्विलिब्रियम पे, एलिट्रॉप्स वाला एग्जांपल दिया था कि एक एलिट्रॉप दूसरे एलिट्रॉप में बदल रहा हो, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, फेज चेंज और एलिट्रॉपी चेंज। तो सॉलिड या तो जा रहे हो गैशियस में, सॉलिड जा रहे हो लिक्विड में, ये सारे फेज चेंजेस के एग्जांपल हैं। और ग्रेफाइट डायमंड में, ये किसका है, एलिट्रॉपी चेंज का है, क्योंकि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलिट्रॉप्स। इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है बताते हुए कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारी रिएक्शन उस साइड जाएगी जहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। हमें हर आंसर में हमें ये चीज़ मेंटेन रखनी है, क्या, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड रिएक्शन विल प्रोसीड वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया हमने, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्ट में जाएगी जहाँ क्या हो रहा होगा, हमारा जो वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीज, वॉल्यूम जो हो हमारा डिक्रीज हो जाए। एक सेकेंड, तो इसमें हम पहला देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। H2O बॉइलिंग पॉइंट में क्या, H2O लिक्विड कहाँ जा रहा है, H2O वेपर में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, डेलेचिस पॉजिटिव होता है इसका। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के सारे प्रेशर पे रहेगा ये, कोई भी प्रेशर ले लूँ मैं, इसका कौन से प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारा, 180 है, तो एट 180 ये 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मैं प्रेशर चेंज करूंगी तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बदलेगा। ठीक है, देखते हैं, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ और वेपर की बात करूँ, वॉल्यूम किसका ज़्यादा है बताओ? वेपर तो, हाँ ऑब्वियसली वेपर का ज्यादा होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हाई है, इसका वॉल्यूम लो है, कंपैरिजन में दोनों के कंपेयर करें तो वेपर का हाई है, इसका वो है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, चलो पहले ये बताओ कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमें वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, लॉग के वाला। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी, डेलिश पॉजिटिव है, डेलिश पॉजिटिव है तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, डेलिश पॉजिटिव के लिए के की वैल्यू इंक्रीज होती है वेस्ट टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़, क्योंकि उस रिएक्शन को हीट चाहिए और हमने उसे हीट दी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जल्दी जाएगी, उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बढ़ जाएगा, तो यानी कि के बढ़ा है तो रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने टेम्परेचर कम किया सेम, तो के भी हमारा कम हो जाएगा और हमारी रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ प्रेशर इंक्रीज करने की। प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या हमने बोला, अगर प्रेशर इज इंक्रीज तो रिएक्शन विल प्रोसीड वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीज, तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, वॉल्यूम कहाँ कम है, हमारी रिएक्टेंट पे इसमें, तो इसलिए हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है,
प्रेशर डिक्रीज किया तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ा, तो वो उस तरफ जाएगी जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि उल्टी तरफ जाएगी तो वॉल्यूम हाई कहाँ पे, वेपर में, तो कहाँ जाएगी फॉरवर्ड में। ठीक है, इतना चीज़ ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया, रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब बॉइल होना ईजी हो जाएगा या डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर प्रेशर इंक्रीज़ किया है तो? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? देखो, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होता है कि जिस टाइम पे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। अगर ये हमारा सॉल्यूशन है और ऊपर से एटमॉस्फेयर जो अपना प्रेशर लगा रहा है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे जो लिक्विड है हमारा इसको ऊपर जाना है बॉइलिंग पॉइंट में, तो जब वो इस अभी कम है उसका वेपर प्रेशर फिलहाल एक एटमॉस्फेयर से, तो हम उसको बॉयल करना शुरू करेंगे तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, हीट करना शुरू किया, जब उसका वेपर प्रेशर उसके बेसिकली पार्शियल प्रेशर है कुछ ना कुछ, जब उसका वेपर वो जो पार्शियल प्रेशर है उसका क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब हम कह देंगे कि बॉयल होना शुरू हो रहा है। लेकिन हमने क्या प्रेशर बढ़ा दिया, अब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, मान लो हो गया पहले 1 था तो 280 में हो गया, तो अब उस जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर को कहाँ तक पहुँचना है, पहले तो 180 तक पहुँच के बॉयल हो रहा था, अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसके वेपर प्रेशर को 280 होना पड़ेगा, तब जाके उसकी बॉयलिंग होनी शुरू होगी। तो पहले 180 में अगर उसे 100 डिग्री सेल्सियस लग रहा था तो हो सकता है 280 में उसको 200 डिग्री सेल्सियस लग रहा हो, जस्ट इमेजिन, ऐसा नहीं है लेकिन मतलब कितना लग रहा हो सकता है उसे 200 डिग्री सेल्सियस लग रहा हो, तो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि बॉइलिंग जो हो रही है वो डिफ़िकल्ट हो रही है, तो बैकवर्ड, और हम ये भी देख सकते हैं हमारी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, यानी कि वेपर से लिक्विड बन रहा है वापस, लेकिन बॉइलिंग के लिए हमें लिक्विड से वेपर बनाना है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो बॉइलिंग तो स्लो हो गई है हमारी, तो बॉइलिंग डिफिकल्ट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया तो बॉइलिंग ईजी हो जाएगी, उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, अब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atmosphere से कम हो गया है, यानी कि अब हमारा जो वो जो हमारा लिक्विड है वो जल्दी बॉयल होना शुरू कर जाएगा, बॉइलिंग इजी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये चीज़ समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो पूछ लो, क्योंकि आगे इसी चीज़ों इसी चीज़ पे बेस्ड और चीज़ें आने वाली हैं। यस मैम। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इवेपोरेशन का। अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, अब हम देखते हैं इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? बताओ, पता है डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में? देखो बॉइलिंग, हाँ बोलो मुकुल। बॉइलिंग पॉइंट तो हम टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर, और इवेपोरेशन तो प्रोसेस है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने की। बॉइल करना भी हम जैसे बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलो कुछ मैम? इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे होता है और बॉइलिंग पॉइंट में एडिशनल टेम्परेचर दोनों होता है। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे, इवेपोरेशन खुद हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे इवेपोरेट करवाने के लिए किसी को, बॉइलिंग करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन खुद नेचुरल प्रोसेस है, खुद होती है, हम कुछ नहीं करते। हम अगर हमें कुछ करना पड़ रहा है तो फिर वो इवेपोरेशन नहीं है, इवेपोरेशन खुद होगी, अपने आप होगी जिस भी टेम्परेचर पे हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल के लिए हमें काफ़ी बार हीट करना पड़ता है मोस्टली। इवेपोरेशन की प्रोसेस सेम है, H2O लिक्विड से वेपर में जाता है, और इसका डेलेज भी हम पॉजिटिव ही बोलते हैं। ठीक है, वो सब सेम है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका भी K क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डेलेज पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो K इंक्रीज ही होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, उसको टेम्परेचर चाहिए और हम दे रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, K डिक्रीज होगा और रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? जहाँ वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कहाँ कम है लिक्विड में, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जाएगी वो आगे, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा कहाँ है वेपर वाले उसमें, तो इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन क्या है इवेपोरेशन के लिए? फेवरेबल कंडीशन कौन सी जो फॉरवर्ड जाने में हेल्प करे, कि टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर क्या करें प्रेशर डिक्रीज करें, तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का केपी लिखना चाहें तो वो क्या होगा? प्रेशर ऑफ H2
ये बोलेंगे के पी लिखना चाहें तो प्रेशर ऑफ एच टू ओ है, उसको मैंने अगर मैं इसको पी बोल दूँ तो एक फॉर्मूला बनता है, जैसे देखो अब के पी किसके इक्वल हो गया पी के, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लॉग के टू बाई लॉग के वन डेल एच बाय 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अब क्योंकि ये जो क्या है ये, वेट ये मैंने क्या लिख दिया, अब ये क्या है Kp जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp, और ये किसके इक्वल है फाइनली इस प्रेशर के इक्वल, तो मैं इस K को क्या P से भी इक्वेट करा सकती हूँ फेस चेंज वाले रिएक्शंस में, ठीक है। तो लॉग इसको मैं क्या बोल सकती हूँ पी टू बाई पी वन डेल एच बाय 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ठीक है। तो इस रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं क्या हमें दो टेम्परेचर पे प्रेशर दे दें, जनरली वेपर प्रेशर होता है ये जो पी होता है, ये पार्शियल प्रेशर नहीं होता वेपर प्रेशर होता है। अभी हम देखते हैं वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं क्लॉशियस इक्वेशन बोलते हैं, क्लॉशियस इक्वेशन। अब देखो हमने क्या किया, हमने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया, ये क्लोज्ड है ठीक है, और इसमें हमने लिक्विड रख दिया, तो लिक्विड के लिक्विड है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या इवेपोरेट होना शुरू होंगे, इवेपोरेशन होने लगी तो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्या क्लोज कंटेनर में लिक्विड क्या हो सारा का सारा किस में बन जाए वेपर्स में बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा क्या वो गैस क्या वो इवेपोरेट हो गया हमारा जो, अगर मैं वाटर की बात करूँ ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर मैं वाटर को बंद करके रखूँ और वो सारा का सारा क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ उसका पार्ट क्या होगा ऊपर जाएगा वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब अगर मान लो ऊपर जाता है रिएक्शन उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, जब गैसेस मॉलिक्यूल्स वेपर्स जो है वापस लिक्विड बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इवेपोरेशन और यहाँ से यहाँ जा रहा है वापस तो कंडेंसेशन। तो जब एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा उस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर्स में जा रहे हैं उतने ही वेपर्स क्या हो रहे हैं वापस आ जा रहे हैं, रेट ऑफ लिक्विड में बन जा रहे हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये कब होने वाला है हमारा एट इक्विलिब्रियम, तो ये मैक्स तो जब इक्विलिब्रियम होगा उस टाइम पे ये जो वेपर जो होगा ये जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, देखो पहले है स्टार्टिंग में हमने क्या किया हमने लिक्विड डाल दिया क्लोज कंटेनर में और उसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए इस एयर में जाना मतलब शुरू हो गए वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, तो उसका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा एट दिस टाइम, ठीक है पार्शियल प्रेशर है किसी भी टाइम पे। फिर क्या हुआ वो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम रीच कर गया, जब क्या हो रहा है अब नो मोर न्यू पार्टिकल्स, तो अब कुछ ना कुछ अब वेपर नहीं अब उनसे क्या हो रहा है कोई भी और ज़्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जितना कन्वर्ट होता है उतना ही वापस आ जाता है, तो अब कोई चेंज नहीं आ रहा हमारे इसके वॉल्यूम में, ठीक है ना इसके वेपर्स में। तो अब इस टाइम पे जो वेपर्स होंगे जो H2O के वेपर्स होंगे अपने मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बन पाएंगे, तो जितना प्रेशर एग्जर्ट ये इक्विलिब्रियम पे कर रहे होंगे उससे ज़्यादा तो प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ जो पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी भी लिक्विड का अगर मैं ऐसे उसको रख दूँ तो वो मैक्सिमम कब होगा इक्विलिब्रियम पे होगा, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर उसका मैक्सिमम होता है, तो इस इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर को हमने क्या नाम दे दिया वेपर प्रेशर। तो जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं वेपर प्रेशर कौन सा होता है उसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर कब एट इक्विलिब्रियम, वो उसका मैक्सिमम प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर वो नहीं अचीव कर सकता, ठीक है वेपर फॉर्म में। तो क्या बोले क्या इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इसके केस में, वेपर प्रेशर इज प्रेशर एग्जर्टेड, वेपर प्रेशर इज प्रेशर एग्जर्टेड एट वेपर बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे वेपर प्रेशर, और जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है जब वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे नॉर्मली पार्शियल प्रेशर। वेपर प्रेशर इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो केपी हमने लिखा था केपी पे हमने ये कौन सा प्रेशर एग्जर्ट किया होगा जो इक्विलिब्रियम पे है तभी हम केपी निकाल रहे हैं, ये जो होगा ये क्या होगा एक्चुअली इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ H2O, तो इसको मैं बोल सकती हूँ वेपर प्रेशर ऑफ H2O। तो ये एक्चुअली में क्या है वेपर प्रेशर ऑफ H2O ही है, जो भी इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर है हमारे लिक्विड का वो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। तो अब हमारा केपी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर,
तो हमारा वेपर प्रेशर एट एच टू भी किस पे डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये भी बस टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। हम कंटेनर भले ही छोटा सा ले लें या पूरे एक रूम का कंटेनर बना लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर मैं टेम्परेचर बदलूंगी तो उसका वेपर प्रेशर बदलेगा। अभी हमने देखा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपोरेशन बढ़ जा रही है, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वेपोरेशन घट जा रही है। तो बस जो ये जो प्रोसेस है टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली है और किसी चीज़ पर नहीं डिपेंड करेगी। ठीक है, ठीक है, इतना आगे चलूँ? यस मैम। चलो अब देखो, एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूँ, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है इस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23.8 टॉर। ठीक है, अगर मैं एयर के प्रेशर की बात करूँ तो वो कितना होता है, 760 टॉर होता है। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोचो हमारा इतना सारा प्रेशर हमारे कंधों पर है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल देते हैं, 24 टॉर बोल देते हैं जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में लूँ टेम्परेचर क्या है, एट 25 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर गया, यानी कि अब हमारा वेपर प्रेशर कुछ अलग हुआ होगा, क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो के की वैल्यू क्या हो रही थी हमारी इस इवेपोरेशन की, इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि इसका डेल एच पॉजिटिव है। तो के क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, के इंक्रीज़ हो रहा है, तो यानी कि जो प्रेशर एच टू था वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। और ये प्रेशर एच टू एक्चुअली में क्या था, ये वेपर प्रेशर ही था, तो यानी कि वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होगा। तो पहले अगर वेपर प्रेशर हमारा 24 था तो वेपर प्रेशर अब क्या है, ग्रेटर देन 24 टॉर। इसको कैसे समझोगे, कुछ इवेपोरेशन होना शुरू हुई, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसा होता है ना, क्या अगर मान लो नॉर्मल अगर ठंड का मौसम है उसमें वेपोरेशन कम होती है, और अगर हम क्या बोलें, अगर हम बोलें क्या गर्मियों के मौसम में जब धूप वगैरह ज़्यादा है तब तो हमारी वेपोरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उससे क्या हो जाती है, इवेपोरेशन बढ़ जाती है। ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है, मुकुल एंड खुशु? मैम अभी जो आपने टेम्परेचर वाला बोला प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ H2O है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे जब हमारा H2 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो वाला प्रेशर जो होता है H2O का, जो मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता, वो कितना है, 24 टॉर है। ठीक है, ये किस टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो ये हमने बोला था ये 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, और हमने अभी क्या देखा कि वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि ये किसके इक्वल है, केपी के इक्वल है, और केपी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो हमारा वेपर प्रेशर भी सिर्फ टेम्परेचर पे इफेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मतलब ये जो कंटेनर है मान लो उसको थोड़ी सी हीट दे दी, थोड़ी सी और हीट दे दी मैंने, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो के क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस का डेल एच क्या है, पॉजिटिव है हमने देखा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो के इंक्रीज़ हो जा रहा है, के क्योंकि हमारा प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा के इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एच टू, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। और ये प्रेशर एक्चुअली में क्या है, वेपर प्रेशर ही तो है, जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर होता है वेपर प्रेशर होता है। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि पहले अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर क्या था, 24 टॉर था, और अगर मैंने अब टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 24 टॉर। ठीक है, यस मैम। अब मुझे इसका उल्टा बताओ, अब मैंने टेम्परेचर क्या किया है, डिक्रीज किया है, तो के पे क्या वैल्यू होगी, के पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज होगा, और जो प्रेशर पे वो भी डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो अब वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, लेस देन 24 टॉर। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमें ऐसे देखना है वेपर प्रेशर पे। तो अब मैं बात करूँ H2O वाटर की, क्या होती है, एक एक्वस्टेंशन बोलते हैं हम, ये भी एक्चुअली में वेपर प्रेशर ही है, एक्वस्टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर एक्वस्टेंशन का वर्ड दिया हो तो वो क्या है, वेपर प्रेशर ही है, जिसकी वैल्यू क्या है, 24 टॉर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब एट इक्विलिब्रियम की बात करें हम, एक सेकेंड, लेट मी यूज समथिंग एल्स।
एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर. इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या था, जब कंटेनर में मैंने लिक्विड रखा, ऊपर एयर तो थी और उस एयर में आप क्या आने लग गए, वाटर वेपर्स में आने लग गए. तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, जितने वाटर वेपर्स आ गए मैक्सिमम है, उसके ज़्यादा तो वाटर वेपर्स आ नहीं सकते इक्विलिब्रियम के बाद इस एयर के अंदर. ठीक है, तो हम मैं ये बोल सकती हूँ कि एट इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ तो वो जो एयर थी, उस एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर है, उससे ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स और वेपर फॉर्म में उस एयर के अंदर नहीं जा सकते. ये बात ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, तो एट दिस पॉइंट हम क्या बोलते हैं, क्या ह्यूमिडिटी क्या है, एक ह्यूमिडिटी टर्म हम यूज़ करते हैं, वो क्या है, इज इक्वल टू 100% है उस टाइम पे. ठीक है, जब हम नॉर्मल एटमोसफेयर की बात करते हैं, अब इसमें क्या होता है, क्या ये जो 24 टॉर है, इतना प्रेशर नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमने कोई ऐसा थोड़ी किया हुआ है कि नीचे पानी है और उसके ऊपर जो मैक्सिमम प्रेशर है, ये हमें कम मिल रहा है जब हमने पानी लिया है और उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो भी क्लोज कंटेनर हो. ठीक है, अगर हम किसी रूम में पानी भर भी दें लेकिन उसे ओपन रखें, तब भी हमारा प्रेशर क्या रहेगा, 24 टॉर से कम ही रहेगा उस पानी के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वाटर वेपर्स का. ठीक है, तो जनरली हमारे एयर में इससे कम ही प्रेशर रहता है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा पानी तो नहीं है कि क्लोज जगह पे ऐसे पानी भरा हुआ हो, तो जनरली हमारा 24 टॉर्स से कम ही रहेगा, ये तो मैक्सिमम प्रेशर है जो जा सकता है अगर हम सब कुछ सारे रास्ते बंद कर दें वेपर्स के बाहर जाने के. तो अगर एयर सैचुरेटेड होती वाटर से होता तो ये ह्यूमिडिटी हमारी 100% होती. 100% में क्या होता, 24 टॉर प्रेशर होता हमारे वाटर वेपर्स का. लेकिन अब हम क्या, अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी हो, जैसे हम बोलते हैं किसी दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, किसी दिन ह्यूमिडिटी कम है, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पानी पानी होता है आसपास, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे एयर में जा रहे होते हैं, तो वाटर एयर में वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. तो उस ह्यूमिडिटी को हम अगर कैलकुलेट करके निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उस वाली एयर में जैसे नॉर्मल जो एयर है उसमें हम देखेंगे क्या प्रेशर कितना है मेरे वाटर का, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर. वेपर प्रेशर वाटर कितना है, H2O, जो कि मैक्सिमम हो सकता है, इनटू क्या कर देंगे 100. तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, जो हमें प्रेशर दिया होगा वाटर वेपर का, जो कि 24 टॉर से हमेशा कम ही होने वाला है, और वेपर प्रेशर ऑफ H2O, जो कि मैक्सिमम 24 टॉर है, इनटू 100. तो ये मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी. ठीक है, चलो अब एक चीज़ बताना, ये पिस्टन है इसमें, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे कुछ इसके वाटर वेपर्स भी हैं. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है इफ पिस्टन इज मूव्ड डाउनवर्ड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन what will be effect on amount of liquid water. ये हमें देखना है. हमने पिस्टन लिया, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये वाटर है अंदर, ये इसके वेपर्स हैं ऊपर. ठीक है, मान लो कोई इक्विलिब्रियम प्रेशर आ गया होगा, अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को मूव डाउनवर्ड किया, यानी कि पिस्टन को हम नीचे लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस पर, यानी कि हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, बोलो, वेपर प्रेशर. एक तरीके से टोटल प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, अभी वेपर प्रेशर पे देखेंगे उस एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने का इफेक्ट क्या होगा. अभी हमने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर जो हम बाहर से लगा रहे हैं वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है पूरे सिस्टम का, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी कि पूरा एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब वो प्रेशर इंक्रीज हुआ उससे क्या असर आएगा हमारे, अब जैसे मैंने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया, अभी हमने क्या बोला था, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस साइड मूव करेगी, जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो, कम हो. yes, ठीक है, तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया, तो अगर मैं अपनी रिएक्शन देखूँ, मेरी रिएक्शन क्या थी, ये वाली रिएक्शन थी, वॉल्यूम किसका कम है, लिक्विड का, वेपर्स के कंपैरिजन में. ठीक है, लिक्विड का कम होता है, मतलब लिक्विड का गैस के कंपैरिजन में कम होता है, तो मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, अब मेरी रिएक्शन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कंडेंसेशन का रेट बढ़ गया होगा. yes, गैस मॉलिक्यूल्स अब कहाँ जाने हो गए, लिक्विड में जाने शुरू हो गए.
ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड वाटर क्या हो रहे होंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे। इसे देखते हैं कैसे। देखो मैंने क्या किया, वॉल्यूम एक तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पिस्टन मूव होने से, ये हमारा रिजल्ट है जो हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे सोल्यूशन पे क्या होने वाला इफेक्ट। केपी है, केपी किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ H2O पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर है, और ये एक्चुअली में ये पार्शियल प्रेशर होता है H2O का, पार्शियल प्रेशर ही क्या है, वेपर प्रेशर है। और ये किस पे है, सब पे, इक्विलिब्रियम पे। इसका फॉर्मूला हो सकता है क्या, NH2O बाय VRT, यहाँ से भी निकालते हैं PV इज इक्वल टू NRT से। ठीक है, और ये किसके हैं, ये वेपर्स के हैं, H2O वेपर्स के। पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, लिक्विड वाटर की वजह से आ रहा है या वेपर्स की वजह से आ रहा है, तो ये इसकी वजह से है। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, तो क्या हुआ, ये जो है हमारा वॉल्यूम तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, NH2 क्या हो रहे हैं, जो वेपर्स वाले हैं, H2 वेपर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं वो भी, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा केपी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने टेम्परेचर तो बदला नहीं, जो केपी चेंज हो। ठीक है, हुआ क्या, हमने प्रेशर इंक्रीज किया, हमने पढ़ा था इफेक्ट क्या, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाते हैं, जहाँ वॉल्यूम क्या हो, कम हो। तो वॉल्यूम कम कहाँ पे होगा, लिक्विड साइड पे। तो अभी जो वेपर्स हैं कहाँ जाने लगेंगे, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होने लगी, रिएक्शन कहाँ जाने लगेगी हमारी, उसके अंदर लिक्विड के, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स और वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि लिक्विड का अमाउंट बढ़ रहा है, जो वेपर्स था उनका अमाउंट कम हो रहा है। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऐसे लिखती हूँ, केपी लिखती हूँ, केपी क्योंकि बस इसी के इक्वल आया था, हमने देखा था लास्ट में, यहाँ मेरा जो केपी आया था ये इसी के इक्वल आया था। ठीक है, प्रेशर ऑफ H2 के इक्वल, क्योंकि बस वेपर में वही है, बाकी तो लिक्विड है। तो क्या हुआ था ये, और यही इक्विलिब्रियम पे जो पार्शियल प्रेशर होता है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम एक फॉर्मूले से निकालते हैं, PV इक्वल टू NRT से। उसमें हम ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब क्योंकि प्रेशर है वो कि वेपर्स की मोल्स की वजह से आ रहा है, तो ये मोल्स किसके होंगे, H2O वेपर्स के। और ये क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेशर इंक्रीज किया है, तो हमने अभी रिजल्ट देख लिया कि इससे क्या हो रहा है, रिएक्शन जा रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी रिएक्शन, जो इवेपोरेशन वाली चल रही है, H2 लिक्विड से H2 वेपर्स वाली, तो ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से इसके मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और क्योंकि मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल मेरा केपी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो केपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली, ये चीज़ समझ आई कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। खुशी तुम्हें, चलो ठीक है, अब हम देखते हैं सी, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब एक चीज बताओ, आइस और वाटर में डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर किसकी, वाटर की। हाँ, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस फ्लोट होती है ना वाटर पे, इसी वजह से फ्लोट होती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है। तो अगर आइस की डेंसिटी ज्यादा होती तो वो सेटल डाउन हो जाती नीचे। तो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, थोड़ा इसकी चीज़ें थोड़ी उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, लेकिन आइस के केस में, वाटर के केस में ऐसा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका टेम्परेचर क्या बोलेंगे, इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, क्या, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, मेल्टिंग पॉइंट बोल लो, हम मेल्टिंग पॉइंट के टर्म्स में, हम क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस पढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के टर्म्स में बातें करेंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट है। इसका डेल एच पी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, मेल्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, लेकिन ये कब है, एट, एक सेकेंड, डेल एच पॉजिटिव है, टेम्परेचर क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, किस पे है, एट 1 एटमोसफेयर। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, अब चलो ये रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल एच हमने देख लिया, डेल एच इज पॉजिटिव। अब इसकी डेंसिटी है लो, इसकी डेंसिटी है हाई, तो जिसकी डेंसिटी लो है उसका वॉल्यूम कैसा होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम हाई हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जिसकी डेंसिटी कम है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है।
वॉल्यूम लो, तो हमें वॉल्यूम का पता चल गया यहाँ से, ठीक है। हम सॉलिड लिक्विड देख के नहीं बताते क्या वॉल्यूम सॉलिड का लो होता है लिक्विड का हाई होता है, यहाँ पे नहीं बता सकते, वैसे बता सकते लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि वाटर के केस में थोड़ा उल्टा केस हो जाता है, क्या सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड की। अब हम देखेंगे, अब मैंने क्या किया, अब मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉरी प्रेशर इंक्रीज़ किया तो मुझे बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, पढ़ी थी अभी चीज़, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी जहाँ वॉल्यूम कैसा हो कम हो, सबसे पहले ये चीज़ बताई थी, बैकवर्ड में जाएगी ये, तो फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, ठीक है। यही है वॉल्यूम डिक्रीज करने का और वॉल्यूम इंक्रीज करने का, मतलब ये वॉल्यूम एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल जो हम प्रेशर या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम लिक्विड का है, लिक्विड या सॉलिड आइस का बोल रहे हैं। चलो तो अगर ये प्रेशर इंक्रीज किया और रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड में, तो मेल्टिंग क्या होगी, ईजी फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग अब ईजी हो रही है, मेल्टिंग ईजी हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। और सेम अगर बात करें हम, ये अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है तो मेल्टिंग क्या हो रही होगी, डिफिकल्ट, मेल्टिंग डिफिकल्ट हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, इतना ठीक है। यस सर। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन वो जो फॉरवर्ड रिएक्शन तक हमें लेके जाए, वो क्या है, क्या प्रेशर हमारा कैसा हो, कम हो, प्रेशर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इजी होगा, एक सेकेंड, प्रेशर ज्यादा हो, हाँ सॉरी प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है। टेम्परेचर की बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, डेल एच देख के बताओ, फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड, टेम्परेचर हमें क्या देख के बताना है, हमेशा डेल एच देख के बताना है, ठीक है। डेल एच क्या है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो फेवरेबल कंडीशन में एक टेम्परेचर हाई भी ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड जाने के लिए रिएक्शन। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं हम, अभी इतने सारे जो रिलेशंस है, ये समझ तो सब आ रहे हैं, बट इसे याद करने के लिए कोई टेबल टाइप कुछ नहीं होता जिसमें ना सिंपल याद तो करोगे, इसे याद करोगे तो फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझ आ रहे हैं ना, समझ है इसका, तो समझ हमने भी याद कर रखा है, बट कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी याद रख रहा हूं, बट जो रिलेशन निकालने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल कुछ हम फिजिकल में क्या देख रहे थे, मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमने स्टार्टिंग में ये चीज तो याद रखनी है, ये चीज याद रखोगे फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हें ये चीज अप्लाई करनी है, ठीक है, बस ये चीज़ याद रखनी है, उससे अगर ये चीज़ याद है तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, भले ही क्योंकि बाकी सारी तो सारी चीज़ें तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये सब पढ़ते आ रहे हो, अब ये चीज़ बस ये चीज़ अप्लाई कर पा रहे हो उसमें, इस चीज़ पे क्वेश्चन है, तुम टेबल बना के हर चीज़ के लिए बॉइलिंग के लिए मेल्टिंग के लिए, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, याद कर सकते हैं, ठीक है, इसे याद करोगे तो गलत कर दोगे चीज़ें, चीज़ें थोड़ी अप्लाई करनी आनी चाहिए हमें, उसी से होंगे और क्वेश्चन अप्लाई ही करना है यहाँ पे, ये चीज़ याद नहीं कर सकते, फॉर्मुलेज याद करने पड़ेंगे, जैसे लॉग के की वैल्यू है वो फॉर्मुलेज नो डाउट तुम्हें याद करने पड़ेंगे, लेकिन ये ऐसी वाली चीज़ जो इस तरीके के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ये याद करके नहीं हो पाएंगे, इसके लिए चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी, इसकी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें भी चीज़ अप्लाई हुई थी, अब इसमें याद नहीं कर सकते चीज़ क्या ये सब था, ठीक है, तो अप्लाई ही करना पड़ेगा, मेल्टिंग ऑफ मेटल, अब हम मेटल का करते हैं, ठीक है, अभी मेल्टिंग ऑफ आइस क्या था, नॉर्मल ऑफ मेल्टिंग ऑफ मेटल है, तो इसमें वो जो आइस में जो उल्टी चीज़ हो रही थी इसमें वो उल्टी चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल है, एजी सॉलिड
वो सिर्फ आइस में दिखेगी ऐसी, और अगर किसी और में होगी तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा डेल एच पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि जनरली सॉलिड की डेंसिटी ही हाई होती है, बस वो वाटर के केस में उल्टा हो जाता है। डेंसिटी लो, सॉलिड की डेंसिटी क्यों हाई होती है, क्योंकि कम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, एटम्स इसके एच के बहुत पास होते हैं, तो ये रीजन होता है इसका। डेंसिटी हाई तो वॉल्यूम लो, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फिर अब डेल एच की वैल्यू देख के बताओ, तो के इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के इंक्रीज होगा, अगर डेल एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी फॉरवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो के डिक्रीज होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी बैकवर्ड, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कहाँ जाएगी रिएक्शन, प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज कहाँ जाएगी, जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम कहाँ पे, सॉलिड की तरफ बैकवर्ड जाएगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगी तो लिक्विड की तरफ जाएगी। ठीक है, आगे सारे आंसर से। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, तो मेल्टिंग ईजी होगी डिफिकल्ट होगी, डिफिकल्ट होगी क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ मेल्टिंग क्या हो जाएगी, ईजी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें याद क्यों करनी है, जब हमें समझ आ गई तो हम ईजिली कर लेंगे, याद करने के लिए वैसे इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या D, E, अब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे वाटर और हमने लिक्विड का तो करा था, और अब देख लेते हैं और एग्जांपल्स इसके, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ऐसा कुछ सॉल्यूशंस में भी पढ़ते हो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ वगैरह, अगर याद है वर्ड। यस मैम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, सोडा वाटर, जैसे सोडा वाटर है इसका एग्जांपल, सोडा वाटर में क्या होता है, सी ओ टू हमने पास की होती है हाई प्रेशर पे, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे तो सी ओ टू डिजॉल्व होगी नहीं वाटर में। कोल्ड ड्रिंक भी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, वो बॉटल स्टार्टिंग में जब हम नई जब खरीद के लाते हैं तो वो अच्छा खासा हाई प्रेशर पे होता है, उसके अंदर क्या है, सी ओ टू है, जैसे ही हम उसके कैप खोलते हैं एकदम से सी ओ टू रिलीज होने लग जाती है, और थोड़ी देर के बाद जैसे अब कोल्ड ड्रिंक को काफ़ी देर तक जैसे अगर ग्लास में रखे ऐसे खुला छोड़ दो, देखोगे एकदम टेस्टलेस हो जाता है, एकदम मीठा पानी लगता है, क्योंकि जो CO2 की वजह से जो उसका फ्लेवर आता है वो सारी CO2 निकल जाती है, अब वो क्या रह जाता है, बस एक तरीके से शुगर वाला पानी रह जाता है। तो ये CO2 कब डिसॉल्व हो सकती है हमारे पानी में, जब वो हाई प्रेशर पे हो, उसका प्रेशर कम कर दोगे तो CO2 धीरे धीरे सारी बाहर निकलने लग जाएगी। तो इसमें क्या होता है, CO2 इज पास्ड एट वेरी हाई प्रेशर इन वाटर, तो अगर मैं लिखूं गैस प्लस लिक्विड, और ये अब क्या बन गया, गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम बन गया, मतलब पहले गैस और लिक्विड अलग अलग था, अब गैस कुछ वाटर में डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, तो गैस लिक्विड का एक तरीके से इंटरफेस टाइप बन गया, तो अब इसका मिला के एक वॉल्यूम होगा और एक इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो हाई होगा, क्योंकि अब गैस और वॉल्यूम बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। अब थोड़ी बहुत गैस इसमें क्या हो रहा होगा, थोड़ी बहुत गैस थोड़ी मिक्स हो गई होगी इसके अंदर, तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, लो होगा, इसका वॉल्यूम हाई, इसका वॉल्यूम लो। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे लगानी है, और इसका जो डेलेज होगा वो क्या, डेलेज इसका नेगेटिव होता है, तो ये चीज़। तो अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी तो क्या क्या होगा, बोलो, बस डेलेज देखना है, डिक्रीज होगा, डेलेज नेगेटिव होता है तो हम उसको, यानी कि डेलेज नेगेटिव है यानी कि हीट रिलीज कर रहा है, उसको हीट नहीं चाहिए, लेकिन हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो उल्टी डायरेक्शन में जाने लग जाती है रिएक्शन। ठीक है, तो इस वजह से के डिक्रीज, रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर डिक्रीज करूँ तो के इंक्रीज, रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली प्रेशर इंक्रीज करूँगी तो कहाँ जाना चाहिए रिएक्शन, जहाँ वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कहाँ पे कम है मैम, फॉरवर्ड में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड में जाएगी। प्रेशर डिक्रीज करूंगी तो बैकवर्ड में जाएगी। ऐसे ही होता है जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हाई प्रेशर पे जब एकदम बंद है, एकदम सील्ड पैक है, तो उसमें क्या होता है, CO2 डिसॉल्व हो रखी है, लेकिन हमने उसका प्रेशर डिक्रीज किया, कैप खोल दी, तो CO2 वाटर से क्या होने लग जाएगी, जाने लग जाएगी, तो
तो ये कौन सा है, ये जो प्रोडक्ट है इसका डिसॉल्व वाला पार्ट है कि जब वो डिसॉल्व हो रखी है उसके अंदर, और ये क्या है जब वो निकल चुकी है उससे बाहर, गैस और लिक्विड अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल जनरल नॉलेज भी अप्लाई करें तो भी हम आंसर्स दे सकते हैं इसके, लेकिन हमें हमको इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने सीखा है, जिससे गलत होने का कोई चांस ना बच जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्लोरेसेंट कंपाउंड, ये क्या होता है, कंपाउंड्स विच रिलीज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, जो मॉइस्चर में, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रिलीज करे, वाटर वेपर्स रिलीज करे, विच रिलीज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, उनको हम एफ्लोरेसेंट कंपाउंड बोलते हैं इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट एक होता है डेलिक्वेसेंट कंपाउंड, ये वर्ड तो शायद सुना भी हो, डेलिक्वेसेंट कंपाउंड, ये जो होते हैं जो ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं। NaCl कैसा होता है, NaCl सॉल्ट है, वो बारिश के मौसम में थोड़ा हो जाता है, मतलब उसके लम्स टाइप बन जाते हैं, देखें अगर थोड़ा छूट दो तो उसमें बेसिकली NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं होता, NaCl में थोड़ी MgCl2 की क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, ये MgCl2 डेलिक्वेसेंट होता है, ये क्या करता है एटमॉस्फेयर से पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, इस वजह से हमारा जो पूरा जो नमक होता है वो ऐसे बारिश के मौसम में थोड़ा अगर उसे खुला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए तो लम्स टाइप बन जाते हैं उसमें, विच कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल एक तो यही MgCl2, और भी सॉल्ट्स होते हैं जैसे CA, अगर मैं NHCl2 की बात करूँ, NHCl2 मतलब पहले जिसमें कोई वाटर नहीं है, हमने पानी इससे दूर रखा हुआ है, NHCl2 है, अब हमने इसे क्या है मॉइस्चर में ला के रख दिया, एयर में ला के खुला रख दिया इसको, तो अभी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaCl2.6H2O, हम ऐसे लिख लेते हैं जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ लगे होते हैं, तो ये अब्जॉर्ब कर चुका है ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एब्जॉर्ब बेसिकली। तो ये है एफ्लोरेसेंट और ये है डेलिक्वेसेंट कंपाउंड, तो इस पे हमें क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज गिविंग बी सॉलिड प्लस 2H2O वेपर्स, ठीक है, इसके वेपर्स हमें मिल रहे हैं और उसका KP है 144 टॉर, ठीक है, इसका 144 टॉर स्क्वायर, ये इसका वो है टॉर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 2 है तो ये प्रेशर रेशियो की पावर 2 जा रहा होगा, इस वजह से टॉर्स कर लिखा है, कुछ नहीं भी लिखा होता तो भी ठीक होता KP, क्योंकि हम काफ़ी बार उसको यूनिटलेस, मोस्टली इसकी यूनिटलेस ही होती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे दे देते हैं तो ये देख के कंफ्यूज नहीं होना यूनिट्स। तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ H2 हमने देखा था क्या होता है, 24 टॉर होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम निकालना है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें KP गिवन है। कैसे निकालेंगे, ए सॉलिड गिविंग बी सॉलिड प्लस 2H2 वेपर, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये तो सॉलिड है इनका हमें कुछ करना नहीं, ये कितना बन रहा होगा, ये 2P बन रहा होगा, इसको मैं 2PH2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर KP के फॉर्मूले में मैं रखूँगी इसको 2PH2O होल स्क्वायर, और KP की वैल्यू कितनी दी हुई है 144, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना आ जाएगा, 12 टॉर आ जाएगा, इतना ठीक है। यस मैम, ठीक है, ये तो सारी पुरानी चीज़ है, इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्या बोलता है, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, RH लिख देती हूँ उसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O इंटू 100, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो इसी में रख देते हैं, ये 12 है, वेपर प्रेशर कितना है 24, और ये 100, तो कितना आएगा ये 50%, ठीक है, तो यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या आ गई हमारी 50%। चलो अब नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी
when A is efflorescent. When A is efflorescent, इसका मतलब क्या है? Efflorescent हमने क्या पढ़ा? जो compounds which release moisture in atmosphere. तो A क्या है? A का nature तो है करने वाला, लेकिन अगर equilibrium पे होता तब हम इस A को नहीं बोल रहे होते कि efflorescent है, क्योंकि अब वो no more क्या है, क्या वो इस time पे equilibrium पे तो नहीं release कर रहा है, जितने वो release कर रहा है उतने उसके ऊपर वापस भी आ रहे हैं. तो यानी कि अब वो release कर रहा है, A efflorescent है, वो release कर रहा है, तो यानी कि reaction किस direction में जारी होगी? बोलो मैम. फॉरवर्ड में जाएगी. फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है. ऐसे हम देख सकते हैं, मान लो इनिशियली या टी इज इक्वल टू जीरो, मैंने किससे शुरू किया? ए सॉलिड से शुरू किया, सिर्फ ये था. रिएक्शन होनी शुरू हुई तो क्या बन रहा है? बी सॉलिड बन रहा है, एच टू बन रहा है. तो इस टाइम पे क्या है, ये एच टू रिलीज कर रहा है, तो उसको हम एफ्लोरेसेंट बोल सकते हैं, ठीक है. फिर ये रिएक्शन बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम पे क्या है ये रिएक्शन, क्या मतलब ये रिएक्शन एफ्लोरेसेंट नहीं है, क्योंकि अब जो रिएक्शन फॉरवर्ड, जो रेट फॉरवर्ड का है वही बैकवर्ड का है. तो जितना H2 ये बना रहा होगा उतना H2 B के साथ मिलके वापस A बना रहा होगा, ठीक है. अगर मैं स्टार्टिंग में ये देखूँ कि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ B सॉलिड और H2 लिया है, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ. इस टाइम पे हम इस B को क्या बोल सकती हूँ कि डेलिक्वेसेंट है. क्या ये B वाटर ये अब्जॉर्ब करके H2 के साथ क्या बना रहा है? A सॉलिड बना रहा है. बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है कब तक? इक्विलिब्रियम तक. इक्विलिब्रियम जाएगी तो फिर हम उस बी को हम नहीं बोल सकते कि डेलिक्वेसेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, ठीक है. तो हमें कंडीशन क्या दी है कि कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हेन ए इज एफ्लोरेसेंट. यानी कि अब इक्विलिब्रियम नहीं है, रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, तो रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो मैं के को ये बोल सकती हूँ कि के ग्रेटर होगा प्रेशर ऑफ एच टू के होल स्क्वायर से. अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि ये जो ए जो हमारा जो प्रेशर ऑफ एच टू ओ है ये मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा, ये कम है, ये चीज समझ आ रही है क्या लिखा है? चलो एक चीज से देख लो. हाँ, ये चीज समझ आ रही है क्या लिखा है? के पे हम क्या बोलते हैं, क्या जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो हमने निकाला है यहाँ पे के जो निकाला है, ये कौन सा प्रेशर है जो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है. यहाँ पे मैं इसको मान लो कुछ और बोल दूँ, मान लो इसको पी डैश बोल दूँ, पर पी डैश बोलूँ, यहाँ पी डैश बोल देती हूँ. तो ये जो के है मेरा इससे ज़्यादा है, क्योंकि अब मेरा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो इसके इक्वल नहीं है. पी डैश एच टू ओ, पी डैश एच टू ओ इज लेस देन पीएच टू, तभी तो मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, क्योंकि अभी तक मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू ओ अपना इक्विलिब्रियम प्रेशर तक नहीं पहुंचा, रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड में जा रही है. तो पी डैश एच टू ओ क्योंकि पीएच टू ओ से कम है, तो मेरा ये वाली वैल्यू क्या होगी, के से कम ही हो रही होगी. तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि के जो है, के मेरा कितना था, 144 था, तो पी डैश एच टू ओ तो ये कितना है, ये 12 स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, पी डैश एच टू ओ क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. जो अभी हमने पढ़ा वही है बेसिकली. क्या है ये रिएक्शन 2PH2 कब बनी थी, जब मेरा इक्विलिब्रियम था. मान लो इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम से पहले का कोई टाइम है, तो जो प्रेशर होगा वो 2PH2 से कम होगा, इतना पता है? यस मैम, कम होगा. तो वो कितना है 2PH2 से कम? P-H2O है. इस वजह से के की वैल्यू उससे तो ज्यादा ही होगी. के की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इक्विलिब्रियम प्रेशर के इक्वल होती है, इक्विलिब्रियम प्रेशर के स्क्वायर के. लेकिन ये इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं है तो के की वैल्यू से ज्यादा है. यानी कि कितना आ रहा है, यानी कि 144 ज्यादा है इससे. तो मेरा जो पी डैश एच टू किससे, मतलब जो 12 है वो इससे कम ही होगा, पी डैश एच टू बेसिकली. यानी कि रिएक्शन तब भी मेरी फॉरवर्ड में जा रही है, क्योंकि अभी तक हमारी इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन नहीं पहुंची है. इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना था इसका, 12 टॉर था. तो क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि जो प्रेशर ऑफ एच टू है वो 12 टॉर से कम ही होगा, क्योंकि अभी तक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची है. ये चीज समझ आ रही है? नेक्स्ट चीज फिर बताओ, कैलकुलेट क्या करना है. कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. व्हेन बी इज डेलिक्वेसेंट, इसमें बताओ क्या होगा फिर. अच्छा, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? इसका प्रेशर क्या है? लेस देन 12. तो मैं यहाँ पे लेस देन का लगा देती हूँ, लेस देन 12, 24 इंटू 100
तो मैं इसको बोल सकती हूँ लेस देन 50% होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि प्रेशर लेस देन 12 है. अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मेरे पास डेटा नहीं है क्या जो मैं एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करूँ. हम ये लेस देन या ग्रेटर देन ही बता सकते हैं. तो क्या है ये, अगर जो प्रेशर है उस टाइम पे लेस देन 12 है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, लेस देन 50% होगी. तो डेली क्वेश्चेंट पे बताना है. ये बताओ इसके लिए क्या होगा, एकदम उल्टा हो जाएगा. बताओ कैसे. बी डेली क्वेश्चेंट है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड में. हाँ बैकवर्ड में जा रही है रिएक्शन. मुकुल ये चीज समझ आ रही है कि बैकवर्ड में जा रही रिएक्शन. ठीक है, बैकवर्ड में जा रही है रिएक्शन, यानी कि अब के की वैल्यू क्या होगी जो बैकवर्ड में जा रही है रिएक्शन, यानी कि अब कुछ प्रेशर की वैल्यू होगी. मान लो मैं इसको बोल देती हूँ पी डबल डैश एच टू ओ. तो ये पी डबल डैश एच टू ओ को मैं कंपेयर करूँ इक्विलिब्रियम प्रेशर से तो ये ज्यादा होगा कम होगा. कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी इन दोनों में से, क्योंकि तभी तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड में जा रही है क्योंकि प्रोडक्ट का मेरा प्रेशर ज्यादा है. ठीक है, तो यानी कि अब के की वैल्यू क्या होगी मेरी, कम होगी अगर मैं पी डबल डैश का स्क्वायर कर दूं तो, क्योंकि ये वैल्यू प्रेशर वाले इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर से ज्यादा है. तो ये 144 से ज्यादा होगा, और यानी कि ये किससे ज्यादा होगा, 12 से हमारा पी डबल डैश एच टू ज्यादा होगा. तो सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी में कैसे बोल सकती हूँ कि ज्यादा होगी किससे, 50% से, 12 by 24 into 100. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके केस में क्या होगी, ज्यादा होगी ग्रेटर देन 50%. ठीक है, ये क्लियर है. इसमें क्या आ रही है, लेस देन 50%, इसमें है ग्रेटर देन 50%. ये समझ आ रहा है क्या, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे अप्लाई करनी है चीज़ें हमें. yes, चलो अब इसके बाद एक बस लास्ट टॉपिक बचा है, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म है. एक तो एलोट्रॉपिक चेंज है वो देख लेते हैं छोटा सा. एलोट्रॉपिक चेंज ग्रेफाइट से जा रहा है डायमंड में. डेल एच है इसका पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अब ग्रेफाइट और डायमंड की अगर हम बात करें ना डेंसिटी की, तो इसकी डेंसिटी लो होती है, ये सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू डायमंड. डायमंड को हम ये भी बोलते हैं कि वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है, तो उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है. डेंसिटी लो, वॉल्यूम हाई. इसका वॉल्यूम, चलो पूरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम हाई, इसका वॉल्यूम लो. तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन, ये देख के बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी मैम, फॉरवर्ड में जाएगी और वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, डिक्रीज करूंगी तो के डिक्रीज होगा और बैकवर्ड में जाएगी. प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड. तो वॉल्यूम लो की तरफ जाती है और ये बैकवर्ड. फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज वाली और प्रेशर इंक्रीज वाली. ठीक है, तो हम देखते हैं जब ग्रेफाइट जो डायमंड में बनता है वो कहाँ बनता है, एकदम बहुत ही ग्राउंड के बहुत नीचे बनता है, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है. तो बहुत माइनिंग करनी पड़ती है डायमंड समय निकालने के लिए, क्योंकि उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए बनने के लिए. इसमें बस ये एक और देखो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या है, इफ टू और मोर इक्विलिब्रियम टेक प्लेस इन अ कंटेनर having at least one common reagent and if they affect each other
then it is called simultaneous equilibrium. जैसे कि अगर मान लो मेरे पास है ए सॉलिड, ये दे रहा है क्या बी गैशियस प्लस सी गैशियस, और सिमिलरली एक और रिएक्शन चल रही है मेरी सेम कंटेनर में, क्या चल रही है डी सॉलिड इज गिविंग ई गैशियस प्लस सी गैशियस. ठीक है, ये दोनों रिएक्शन मेरी सेम कंटेनर में चल रही है एक, और दोनों क्या है इंडिपेंडेंट एक दूसरे की. इसमें क्या हो रहा है सी गैशियस इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, तो ये दोनों क्या है ये एक दूसरे का इक्विलिब्रियम अफेक्ट करेगा, क्योंकि इधर भी अब सी बन रहा है तो इस रिएक्शन के लिए सी की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, जो ये एक्चुअल उससे दे रहा है उससे ज़्यादा ही होगी, और सिमिलरली इस रिएक्शन के लिए भी सेम चीज़ है. तो ये हम केस बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का. तो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि एक हम आयनिक में भी चीज़ पढ़ते हैं ये कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से, CH3COO- + H+, और मेरे सोल्यूशन में क्या है HCN भी है, तो CN- + H+, तो ये H+ दोनों साइड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम इसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का बोल सकते हैं. ठीक है, और कॉमन आयन इफेक्ट में भी हम पढ़ेंगे आगे. एक चीज देखो, ए सॉलिड गिविंग बी सॉलिड प्लस सी गैशियस, डी सॉलिड गिविंग बी सॉलिड प्लस ई गैशियस, ये होगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल. Yes, ये नहीं होगा. देखो इसमें जो सेम चीज है वो क्या है, सेम बी है, ए नहीं है, ये डी है और ये ए है. सेम चीज बस बी सॉलिड और बी सॉलिड है, और दोनों क्या सॉलिड है, इन्हें तो हम केपी या केसी में लेते ही नहीं है. ठीक है, तो सॉलिड वाले अगर सेम हो रहे हैं तो उनको हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में नहीं काउंट करेंगे, ये चीज याद रखना. ओके मैम. ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों सॉलिड है तो इट इज नॉट अ केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. एक और होता है ए गैशियस बी गैशियस प्लस सी गैशियस, और बी गैशियस इज गिविंग डी गैशियस प्लस ई गैशियस, ये भी क्या है मेरा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है. ये बी गैशियस जहाँ पे प्रोडक्ट की तरह बन रहा है, यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह कंज्यूम हो रहा है इस रिएक्शन में. ठीक है, तो ये भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल में आएगा. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. सॉलिड ए एंड सॉलिड बी आर हीटेड इन अ डिफरेंट कंटेनर. हीटेड नहीं, टेकन लिख लो, आर टेकन इन अ डिफरेंट कंटेनर. If pressure over solid A is 8 torr and solid B is 6 torr, तो A हमें करना है पहले क्या कैलकुलेट KP and KC. तो रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन है A solid is giving C solid, C gaseous. प्लस एच टू एस गैशियस के पी वन, और बी सॉलिड इज गिविंग डी गैशियस प्लस एच टू एस गैशियस. ठीक है, इसका है के पी टू. तो हमें कैलकुलेट के पी एंड के पी वन एंड के पी टू ये करना है. तो ये वैल्यूज अभी तो जल्दी जल्दी निकालो. ये अभी देखो, अभी क्या है सॉलिड एयर सॉलिड बी टेकन इन डिफरेंट कंटेनर, सेम कंटेनर में नहीं है डिफरेंट कंटेनर्स में. तो जैसे हम के पी की वैल्यू निकालते हैं एकदम वैसे निकालो. सी गैशियस ये क्या है एच टू एस गैशियस. इक्विलिब्रियम पे सॉलिड का कुछ नहीं होगा, गैशियस का कितना होगा पी वन मान लो, इसका पी वन मान लो, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें पी टोटल दिया हुआ है ए के लिए, ए वाली फर्स्ट रिएक्शन के लिए कितना है 8 टॉर. तो पी वन प्लस पी वन को मैं लिख सकती हूँ 8,
तो 2p1 is equal to 8 और p1 कितना हो जाएगा 4 tor. ठीक है, p1 4 tor हो गया तो kp1 क्या होगा इसके लिए, kp1 will be pressure of h2s into pressure of c. दोनों क्या है, p1 into p1, तो 4 into 4 is equal to 16. kp1 की वैल्यू 16 आ गई. इन द सेम वे दूसरी वाली रिएक्शन के निकालो और आंसर बताओ. जल्दी से, टाइम भी लगना चाहिए, अब बहुत बार कर ली है चीज. तो P2 6 tor है दूसरी रिएक्शन के लिए. आ रहे कुछ कुछ मैम? 9. हाँ 9 आएगा, गुड. तो इसका P2 कितना हो जाएगा 3 tor और KP2 की वैल्यू विल बी P2 into P2, तो कितनी हो जाएगी 9 tor. ठीक है, ये इंडिविजुअली हमें दोनों का क्या मिल गया, KP1 KP2 मिल गया. अब इसका बी पार्ट देखते हैं. इफ बोथ ए एंड बी are taken in same container. अब अगर हम इन्हें सेम कंटेनर में ले ले और t कांस्टेंट है, t नहीं चेंज कर रहे तो यानी कि KP1 KP2 नहीं बदलेंगे. कैलकुलेट प्रेशर ऑफ H2S गैस. हमें निकालना है. अब देखो रिएक्शन क्या है, ए सॉलिड गिविंग सी गैशियस प्लस H2 गैस. अब देखो क्योंकि सेम कंटेनर में लिया है तो इनका इक्विलिब्रियम प्रेशर पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा. मान लो न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या है इसका, P1 dash और इसका है P2 dash. P1 dash इसका भी P1 dash P1 dash दोनों का सेम ही होगा. और बी सॉलिड लिया है और ये क्या हो जाएगा, बी सॉलिड डी गैशियस प्लस H2S. इसका भी इक्विलिब्रियम पे कुछ न्यू प्रेशर बनेगा क्योंकि हमने सेम कंटेनर में लिया तो चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होगी. ठीक है, मैं KP1 की बात करूं तो KP1, अच्छा देखो प्रेशर ऑफ सी को मैं क्या बोलूंगी, P1 dash. प्रेशर ऑफ डी को मैं क्या बोलूंगी, P2 dash. प्रेशर ऑफ H2S को मैं क्या बोलूंगी, अब इक्विलिब्रियम आने पे जब दोनों रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम आ चुका है तब क्या बोलूंगी, P1 dash plus P2 dash. ठीक है, क्योंकि इसका और इसका प्लस हो जाएगा क्योंकि H2S तो दोनों से मिल रहा है ना, मैं तो P1 dash plus P2 dash होगा. अब मैं KP1 की वैल्यू रखूंगी तो PC into PH2S रखूंगी. KP1 की वैल्यू कितनी आई थी, 16. प्रेशर ऑफ C कितना है, P1 dash. प्रेशर ऑफ H2S कितना है, P1 dash plus P2 dash. यहाँ से हमारी P1, हाँ ठीक है, KP2 की वैल्यू क्या रखूंगी, P D पार्शियल प्रेशर ऑफ और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. इसकी वैल्यू कितनी थी, 9. यहाँ पे से कितना आएगा, P2 dash P1 dash plus P2 dash. ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 16. यस मैम, ये तो 16 है. अब यहाँ से दो इक्वेशंस मिल गई हमें, यहाँ से तुम अपनी P1 dash और P2 dash की वैल्यू ना निकाल सकते हो. अब टाइम भी हो गया ये चीज़ निकाल के आना, नहीं होगा तो मैं इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी पहले. ठीक है, ओके मैम. इसके बाद क्योंकि निकल जाएगी वैल्यूज, इजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये करना है. अब बस फाइनल P1 dash और P2 dash की वैल्यूज निकालनी है और कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि सारी इक्वेशंस मिल चुकी है हमें और इजीली निकल जाएगा, ज़्यादा वो नहीं होगा. ज़्यादा अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो मत करना क्योंकि बहुत ईजी है ये.